बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली गैसड़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नचौरी में सुबह करीब 10 से 11 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसकी चपेट में करीब 30 से अधिक घर और उसकी गृहस्थी जलकर राख हो गई। अग्नि के चपेट में एक मवेशी बुरी तरह झुलस गई, एक बकरा झुलस जाने से घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। गौरतलब हो कि सुबह करीब 10 से 11 बजे कल्पनाथ पुत्र गजाधर के घर से अज्ञात कारणों से आग लग गई और देखते ही देखते लोगों के घर में रखे गृहस्थ के सामान व नकदी सहित अभिलेख भी जलकर राख हो गए। इस भीषण आग की चपेट में पुजारी के घर में एलएमटी का सामान करीब 2 लाख रुपए का रखा हुआ था, जो पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया एवं बकरे की जलकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें, कल्पनाथ के घर में 11 जून को लड़की की शादी होना निश्चय था। अब देखना यह है कि आर्थिक तंगी की मार में वह कैसे शादी को निपटा सकेंगे। अग्नि पीड़ितों में भारी क्षति हुई है। लोगों के अन्य वैवाहिक कामकाज कैसे संपन्न होंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। लोगों का कहना है कि सुबह जब आग लगी तब हवा के साथ साथ कड़ी धूप भी थी, जिससे अधिक घर आग की चपेट में आ गए। गाँव के समाज सेवी शेषराम ने अग्नि पीड़ितों को अपने निजी संस्थान से लंच पैकेट वितरित किए और अग्नि पीड़ितों को उचित सहयोग कराए जाने की मांग शासन व प्रशासन से की है। बाटला छोड़ दे नहीं बाटला वहां। आज थाना क्षेत्र गैसली के ग्राम चौरी में सुबह आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल फायर टेंडर को भेजा गया था और पुलिस बल और फायर सर्विस के कर्मचारियों द्वारा आग पे काबू पा लिया गया। जिसके इस आगजनी में 18 घर जल गए, जिसमें करीब 19 परिवार है जो प्रभावित हुए हैं। जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। एक पशु झुलस गया है तथा एक पशु की मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस बल मौजूद थी और उन्होंने ग्रामवासियों की मदद से आग को बुझा लिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।